हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आर्टिका केक। ये देखिए कितना अच्छा केक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आर्टिका केक बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी शक्कर मैंने इसमें ऐड कर ली है, जो मैंने पीस ली है शक्कर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट, जो मैंने लिया है अखरोट और बादाम, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। बच्चे अक्सर ड्राई फ्रूट खाते नहीं हैं, तो हम इसमें मिक्स करके उन्हें खिला सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, जो मैंने लिया है 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कोको पाउडर, ये मैं 4 टीस्पून ले रही हूँ। आप चाहे तो कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोको पाउडर। ज़्यादा चॉकलेटी चाहे तो ज़्यादा, कम तो कम, और इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ वैनिला एसेंस। अब इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कटोरी मलाई, जिस कटोरी से मैंने आटा लिया है उसी कटोरी का मेजरमेंट से मैं ये मलाई ले रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। अभी बैटर मैं बनाऊंगी दूध से। इसके लिए मैंने लिया है 3/4 ग्लास दूध। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और मिलाते जाना है। दूध इस तरह मिलाते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मेरा बैटर रेडी है। ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें केक के लिए। मैंने केक टिन को ग्रीस कर लिया है शुद्ध घी से। अब इसमें थोड़ी मैं आटे की डस्टिंग करूँगी इस तरह। अब मैं ये बैटर केक टिन में डाल देती हूँ। बैटर को हिलाना है और थोड़ा सा 2-3 बार टैप करना है ताकि इसकी हवा थोड़ी निकल जाए। मैं केक गैस पर बना रही हूँ, तो मैंने एक बड़ा कुकर लिया है और इसमें जाली रखी है और उसको थोड़ा सा 5 मिनट गर्म करने रखा है। अब मैंने केक टिन को कुकर में डाल दिया है। इसको मैं मीडियम आंच पर 45 से 50 मिनट तक पकाऊंगी। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कुकर की सीटी ध्यान करके सीटी निकाल देंगे और इसको हम मीडियम आंच पर छोड़ देंगे पकने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा केक रेडी है 50 मिनट्स के बाद। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, मतलब हमारा केक रेडी है। केक मेरा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको टिन में से निकाल दूंगी। इसके ऊपर मैं ट्रे रखूंगी और इसको टर्न करके निकाल लूंगी। ये देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। ये देखिए, वाओ, हमारा केक रेडी है बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा बन के निकला है केक, एकदम सॉफ्ट स्पंजी, साइड्स एकदम क्रिस्पी क्रिस्ट, बहुत सुंदर। अब मैं आपको केक काट के दिखाती हूँ। ये देखिए केक हमारा अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, नीचे से साइड से। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।